चल चलते हैं। फाइनल हमारा ये हैकिंग के बाद वाली प्रेरणा है। प्रेरणा को गुची का स्टॉल मिल गया है। निकल पड़े हैं हम हांगकांग की बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मार्केट टेम्पल नाइट मार्केट देखने। मैंने सुना वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग ड्यूब्स मिलते हैं। मैंने ना एक तो एलवी का बैग ले लिया, अभी हिम्मत नहीं हो रही और महंगे महंगे बैग लेने की। मैंने सोचा ड्यूब्स ही ले लेते हैं। एक्चुअली देख ही आते हैं कि क्या क्या मिलता है वहाँ पे और आपको भी दिखाते हैं। बट उससे पहले ना पहले स्टारबक्स चलते हैं, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है, रियली हंग्री। जल्दी से डिनर ग्रैब करते हैं और चलते हैं फिर टेम्पल स्ट्रीट मार्केट। हर्ष स्टारबक्स सैंडविच लेते हैं, चला जा। दुनिया का सबसे खाली स्टारबक्स आज पहली बार देखा है भाई, कोई है ही नहीं। कहाँ चले गए सारे लोग मैं बता रही हूँ। मार्को पोलो होटल के पास में स्टारबक्स है, वहाँ पे कोई नहीं आता, वहीं आ जाओ। और यहाँ पे आ गया हमारा रोल और सिर्फ एक यही वेजिटेरियन ऑप्शन थी। जाओ भाई कॉफी लेके आओ, खड़ा है खुद मुझे कह रहे जा ले क्या है। बहुत सुंदर है वैसे स्टारबक्स। चलो भाई इंजॉय करते हैं। भाई मिस्टर अशर की कॉफी आ गई है, मिसेस प्रेरणा पिएगी। भाई अपने आप को पूरा रिचार्ज कर लिया, गरम गरम कॉफी पी ली है, गरम गरम खाना खा लिया। भाई देख रहे हो उसके ऊपर आज पहली बार अशर का नाम एकदम सही लिखा है इन लोगों ने। अभी आई एम ऑल सेट टू हिट द मार्केट। अशर भी रेडी है, चलते हैं फिर हम तीनों, मैं अशर और कॉफी टेम्पल स्ट्रीट मार्केट घूमने। क्या होगा मैं घर जाऊँ? नहीं नहीं साथ में चलो, तू अशर और कॉफी जा रहे थे ना, मेरा क्या होगा? वॉलेट तो तेरे पास ही है ना। चलो नानकिन स्ट्रीट पहुंच गए हैं, 3 बस स्टॉप राइड करके अशर सो चुका है। चलो फिर शॉपिंग करें। हाँ भाई तो हम पहुंच गए टेम्पल स्ट्रीट के पास। तो सबसे पहले प्लान ऑफ एक्शन क्या है बताना, पहले क्या करना है? पहले मनी एक्सचेंज करा लेते हैं। चलो भाई बहुत सारा पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, उसी के बाद तो शॉपिंग करेंगे। क्रॉस रोड पे खड़े हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड मार्केट है। कहाँ से घुसे? ऐसे ना दिल मत जला मेरा, एक काम करते हैं नकली भी खरीद लेते हैं सेम, फिर कंपेयर करेंगे। भाई वैसल का बैग देख रहे हो, मेरे को मेरा तो कोई नहीं मिला यार यहाँ पे। लुई विटॉन का नहीं मिला मुझे। आंटी कैसा लग रहा है मेरा बैग? बहुत सुंदर बैग लग रहा है। सही में यार तू कल कितने पैसे बर्बाद करके आई, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है उससे पता है। 4,000 डॉलर का मिलता है ओरिजिनल। ओरिजिनल तो नहीं है ना ये, बट दिस इज नॉट ओरिजिनल मैम। प्रेरणा कितने कितने? 100 भगा देंगे। पढ़ा था मैंने, सुना था कि यहाँ पे 80% तक बार्गेन कर सकता है। तो क्या हुआ फिर यार, व्हाइट अच्छा लग भी रहा है। अच्छा लग रहा है, पर एक बार मेरे को दिखा इसके अंदर। अभी इसके अंदर एक और बैग भी है। हाँ गुड गुड। चेन भी होगी? ब्लैक तो नहीं ना? नहीं आई थिंक व्हाइट इज गुड, पर मैंने कल ही व्हाइट लिया लुई विटॉन। फिर आने दे। नहीं यार व्हाइट अच्छा है। आगे देखते हैं और शनाल यार मुझे ये भी अच्छा लग रहा है। भाई मैंने ऐसा ना लुई विटॉन पे देखा था, ऑल्दो इस पे मोनोग्राम लुई विटॉन का नहीं है, बट काफी अच्छा ड्यूब है, मुझे सुंदर लग रहा है सच्ची। बैक पैक है यार, अच्छा लगेगा। तो फिर ये ले रही है तू? हाउ मच? 230। ओह माय गॉड 230। गिव मी गुड प्राइस फॉर बोथ। दिस इज लास्ट 200, दिस इज लास्ट 320। ओह नो वेरी एक्सपेंसिव। चल चलते हैं। फाइनल हाउ मच? 100 फॉर बोथ। 100 ईच? नो 200। नो बड़ी अलग अलग चीजें मिल रही है यहाँ पे। सच बोलू बहुत ही अतरंगी सी मार्केट है, बट मुझे यहाँ पे ना बार्गेन का समझ नहीं आ रहा। लाइक जनपद पे तो पता ही है जनपद से रोशनी पे क्या होता है, बट यहाँ पे मुझे सच में ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज किस रेट पे मिलेगी। आई एम कंफ्यूज। बहुत ही सुंदर सी ऐसी स्ट्रीट आ गई है जहाँ पे ऐसे लैंटर्न्स लगे हुए हैं, बट प्रेरणा यहाँ पे तो सिर्फ खाना मिल रहा है। ये हैप्पी न्यू ईयर है ना इनका, इसलिए ऐसे सजाया हुआ है इन्होंने। पूरी स्ट्रीट पे पकौड़े समोसे क्या क्या मिल रहा है यार, यहाँ पे ऐसे मिल रहे वो छोले भटूरे नहीं है समोसे, सच में कलरफुल सी स्ट्रीट है यार। ये रेड और येलो खत्म हुआ था, पर्पल और येलो आ गया, मस्त है, कैरेक्टर है पूरी मार्केट में एक ना अलग सा। आ गए हैं हम टेम्पल स्ट्रीट। बालों में हाथ मत कर, आजा विग लेके दूं तेरे को। मैं सोच रही हूँ पर्पल विग ले लूं एक। पक्का ट्राई तो करनी चाहिए, और क्या ट्राई नहीं लेनी पड़ेगी। चल लेती हूँ, आजा। क्या तरंगी सी शॉप में आ गई है। गाइस आप लोग कहते हो मैं कभी अपने हेयर स्टाइल चेंज नहीं करती, मैंने सोचा बंदी बदल दूं आज मैं। भाई ये नकली बाल है प्रेरणा, ये मत ले, अशर नहीं पहचान पाएगा तुझे। कितने अच्छे है मेरे बाल, बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा लग रही हूँ। अशर कहेंगे नई मम्मी आ गई, न्यू मम्मी। रुक रुक अभी ये वाले अच्छे है ना, अभी दूसरे भी दिखाती हूँ तुझे। यार तू सच में लेगी क्या? ऑफ कोर्स, अब मैं बीटीएस का चैलेंज भी तो करूंगी, लिविंग लाइक बीटीएस फॉर 24 आवर्स, तो मुझे चाहिए होगी वे यार। ओ बाय द वे कौन कौन चाहते हैं मैं चैलेंज करूं, डू टेल मी द गॉस। बंदी कह रही कौन सी मूवी में काम कर रहा है, कैसे लग रहे हैं? मैं सच्ची बता रहा हूँ, देख लग अच्छे रहे हैं, बट अशर तेरे को पहचान नहीं पाएगा यार। कोई बात नहीं, अशर को भी रोज रोज नई नई मम्मी देखने को मिलेगी। चल अब मैं इसी में घूमती हूँ, ठीक है? पक्का यार, पूरी दुनिया मुझे देख रही है, मुझे बहुत फनी लग रहा है यार। और कोई ट्राई कर ले देगी, बड़े सारे हैं ये कर रहे हैं। ये वाला पर्पल ही चाहिए मुझे, ये अच्छा लग रहा है। नहीं मुझे पर्पल ही चाहिए, आई पर्पल यू। सच में ले रही है ये, इसको अलग भूत सवार हो गया प्रेरणा। सब लोग कहते हैं आप हेयर स्टाइल चेंज नहीं करते, मैंने बाल ही बदल डाले। भूत हूँ मैं। कैसी लग रही हूँ मैं? डरावनी लग रही है। डरावनी यार, इसमें फ्रंट बैंग्स क्यों नहीं है? बहुत डरावनी लग रही है प्रेरणा। नो फ्रंट बैंग्स, यही ठीक है यार। एक ये पर्पल, एक वो ले ले ब्राउन। ऐसे लग रहा है वो जी हॉरर शो नहीं आता था बचपन में, उसमें देखो रोल मिल जाएगा पता है वैसे भूतनी का, के सामने आ गई है नई प्रेरणा। हाय गाइस हाउ आर यू? भाई तू तो बिल्कुल अलग लग रही है, ये हैकिंग के बाद वाली प्रेरणा, न्यू प्रेरणा। बार्बी डॉल लग रही है। बार्बी डॉल, माय गॉड। तो आसानी होगी तेरे बाल खींचने में, और लंबे हो गए। अशर, अशर मम्मा है? नो मम्मा, मम्मा अशर ओनली पापा। नो मम्मा, डर गया यार, डर गया। बैठ के उठ के कौन है ये? टोपी उतार रहा है, मेरे बाल तो है ना। अशर मम्मा कैसी लग रही है? अशर ब्यूटीफुल, देख तो सही ब्रदर, देख ही नहीं
नहीं रहा यार। अशर ये कोई और लेडी है, देख नहीं रहा यार सच में, क्या मैं पहचान में नहीं आ रही। नहीं चल चले। मुझे हमेशा से बड़े बालों का शौक था और आपको मेरे पे अलग हेयर स्टाइल देखने का शौक था। अब देखो ये हेयर स्टाइल आपको रोज देखने को मिलेगा, रोज यही पहनूंगी मैं वेग। बहुत अजीब लग रही हूँ यार सच में, पहचान में नहीं आ रही यार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लोग मुझे देख रहे हैं, ताड़ रहे हैं, सब कुछ नोटिस कर रहे हैं। कौन आई है ये अप्सरा? कोकिल कंडल हर्ष को यहाँ पे कपड़े दिखे अपने लिए, मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे कपड़े, ओह माय गॉड, आ दिखाता तेरे को। मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था पर अभी कसम से बता रही हूँ, जो तूने पहले जाके ट्राई करी और ये दोनों बहुत अच्छी लग रही है। मेरे पे सब कुछ अच्छा लगता है यार। अशर मम्मा के हेयर कैसे लग रहे हैं? आपके हेयर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर पापा कितने अच्छे लग रहे हैं, पापा की शर्ट कितनी अच्छी लग रही है। मैं गंदी करूंगा, ले लो खा के रागी गिराऊंगा इसमें। डिंगे 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 डिंगे। अशर तेरी ड्रेस से अच्छी नहीं है पर पापा की, तेरे पास यहाँ पे टेडी बियर भी है। और एक और जैकेट ट्राई करते हो यार, वैसे अच्छी नहीं लग रही थी, तेरे पे सही लग रही है। बब्बू गोशा लग रहा है पर बड़ी है काफी। वही तो। सही है यार हर्ष, सही है, सब सही है यार, बढ़िया कपड़े मिल रहे हैं इधर तो यार। हर्ष ये ज्यादा अच्छी लग रही है, ब्लैक से भी अच्छी यही लग रही है सच में क्योंकि इसका साइज एकदम परफेक्ट है। ये भी कह रहा है, ये नकली खांसी करता है यार आजकल, बड़ा क्यूट है यार ये। पापा ले लो, अच्छी लग रही है। तू आ जा रे, पता है लोग मुझसे रुक रुक के पूछ रहे हैं हेयर कट कहाँ से कराया है। हेयर कट नहीं पूछ रहे, आप हो कहाँ से, कौन से देश से आए हो आप? अशर भी कह रहे हैं, अशर कह रहे हैं मम्मा बहुत अच्छी लग रही हो। अशर कह रहा है बढ़िया है मम्मा, कहीं कोई और लड़की है ये। अब कहाँ चलना है? तूने ले ली अपनी जैकेट? यस। 450 में दो? यस। चलो वेरी गुड। क्या पसंद आ रहा है तेरे को? मुझे ये वाला मैग्नेट और ये वाला मैग्नेट। एक तो बाल इतने हो गए ना, दिख ही नहीं रही तू, दिख नहीं रही। ये दो मैग्नेट्स पसंद आ रहे हैं हमें, तो आई थिंक ये वाला ले लेते हैं। वुडन है इसके अंदर, मोंग 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 सारी स्ट्रीट्स के नाम है भाई। इफ इट्स ब्रोकन इट्स योर्स। ठीक है ओके दिस वन। ओ हेलो हेलो, अच्छा तो प्रेरणा है। हाँ बोलो। बहुत सही बंदा था यार, हमने एक बार बोला 20 दे देते 25 की जगह। ओके बढ़िया बढ़िया। अशर को कच्चा पसंद आ गया, कहने का ये सर से लेके नीचे तक आएगा। अशर अशर डोंट डू दिस बेबी, इट्स वेरी बैड। ये नहीं मानेगा यार, वो लेके आया देगा अशर के साथ। आई टॉक लाइक फॉरेनर टुडे। ओ भाई अशर फरारी के कपड़े पहनेगा। सही है यार, मेरी बड़ी है यार, मैं बता रही हूँ आज का ब्रांडेड नहीं लेना कुछ भी यार, ये सही है यार। ये तो बहुत सही है यार, मजाक से हटके ये तो ओरिजिनल से भी ज्यादा ओरिजिनल है यार। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तू ले ले मैं तेरी पहन लूंगी। है ही नहीं उनके पास बड़े साइज। इसको देख यार बावला, ये व्हाइट वाली है और एक ये रेड ब्लैक है, पर इसे पसंद वही आ रहा है। ओ भाई ऐसे इसका वो हुड ले लिया था बेटा तूने, सुबह होके फरारी चलानी। फरारी फरारी दी जोड़ी, मस्त लग रहा है जो भी मस्त ले ली, ज्यादा मस्त लग रहा है। F1 फरारी ऐसा लग रहा है, डुप्लीकेट जापानीज गर्ल और डुप्लीकेट फरारी, ऐसा लग रहा है हम डुप्लीकेट वर्ल्ड में आ गए। डुप्लीकेसी भाई, फाइनली हर्ष ने ले लिया यार। ओरिजिनल फरारी और नकली फरारी में कोई फर्क नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ ये ज्यादा अच्छी है। सच में क्या हुड ली थी ना, कितनी मस्त जैकेट मिली है। मुझे ऐसा लग रहा है ओरिजिनल है, बस यहाँ पे फ्लूक से आ गई है भाई। बहुत अच्छी है, एक ये जैकेट ली है, एक ये शर्ट ली है मैंने अपने लिए फरारी वाली, हाफ स्लीव की बहुत अच्छी लग रही थी ये भी भाई। 4000 में सब कुछ आ गया। और ये अशर की टी शर्ट BMW। ओ भाई ये एक और अशर की टी शर्ट Lamborghini। फरारी ये एक और अशर की टी शर्ट, ये Lamborghini है। और ये एक अशर की बंजी। अशर फरारी मजे आएंगे, इसमें तो घोड़ा ही बना हुआ है। चलो भाई सबको सारा सामान। पापा मेरे तो मजे ही मजे हैं, मुझे तो मजे आ गए, मेरे तो बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले। चलो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ नाइट मार्केट कैसी है। नाइट मार्केट खत्म होने वाली है पर मेरे मम्मी पापा की नाइट मार्केट खत्म ही नहीं होती। सॉक्स वॉक्स ये सारे एयरपोर्ट के कवर्स, क्यूट क्यूट से लेदर का एयरपोर्ट का कवर बहुत क्यूट है, एकदम जगमगाती चमचमाती मार्केट है। अरे और बर्बरी कहाँ है? ये ना बर्बरी ये लेते हैं। प्रेरणा को गुची का स्टॉल मिल गया यार, बहुत सुंदर लग रहा है। सच्ची तू ले रही है ये? हाँ लग तो रहा है अच्छा भाई, ओरिजिनल एकदम बालों के साथ। अशर को कवर कर दे इसमें। ओ अशर पे अच्छा लग रहा है भाई, सच में बहुत अच्छा है। है ना फैब्रिक भी अच्छा लग रहा है ना, वो देखो वहाँ पे पहनाया हुआ था, वो एकदम कोट स्टाइल में पहनाया हुआ है। ले रही है प्रेरणा? हाँ यार ले ही लेती हूँ भाई। हर्ष ने अपने लिए शर्ट पसंद करी है। ये बैग है मस्त लग रहा है, कुछ अलग ही भाई। भाई यहाँ पे ना फेंडी गुची सबके स्कार्फ मिल रहे हैं यार, ले ले यार सारे ले ले, सारे ले ले। लड़का नहीं रुक रहा, अब इसे ताश पसंद आ गई गोल्ड। अभी क्या अलग चीज है ये देखियो, ये मिलती है इंडिया में? नहीं मिलती है ये, देख यार ये नहीं मिलता, नेल कटर नहीं चाहिए हमें ये। भाई यहाँ पे सारे परफ्यूम्स भी मिल रहे हैं। तेरे को हमेशा से चाहिए था ना ये वाला डियोर? नहीं भाई मुझे ओरिजिनल चाहिए। दिस इज नॉट डे और सच बता रही हूँ, पहली बार कह रही हूँ परफ्यूम्स हमेशा असली लेने चाहिए। देख रही है YSL का ना VEL लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा है VEL? देख ना VEE लिखा है। तेरे पास टी शर्ट है याद है? अबे हाँ ऐसी सेम शर्ट ली थी मैंने सिंगापुर से। ले लो ये वाला बैग भी सही लगेगा, शर्ट के साथ मैचिंग बैग। फिर पैंट ढूंढूंगा, पैंट भी ले लूंगा ऐसे। ले लो कार्टून लगोगे कार्टून। फाइनली अशर के लिए सॉक्स ले ली थी क्यूट क्यूट, सॉरी हाँ इसके पास थी नहीं ना, हमने कहा इसको क्यूट सी सॉक्स ले दें। ठीक है अशर पसंद आ गई। अरे हाँ बस इसे खानी है पर। अच्छा भाई अशर तो जहाँ जाते हैं इसके फैंस बन जाते हैं।
इसकी फोटो ले रहे हैं यार। अरे सो क्यूट, सो क्यूट। अश्वरी इतनी तेज की चिल्ला के क्या बोला? ये ही इज ऑन इंस्टाग्राम, वेरी फेमस। इंस्टाग्राम